दसवीं बारहवीं विद्यार्थियों के लिए आई खुशखबरी। आरबीएसई बोर्ड के सभी छात्र जो बिना परीक्षा दिए प्रमोट हुए थे, उन स्टूडेंट के रिजल्ट में इंटरनल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालांकि राज्य सरकार ने अब तक मार्किंग के लिए कोई नीति तो सार्वजनिक नहीं की, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों से स्टूडेंट के इंटरनल मार्क्स मांग लिए। ऐसे में जो भी मार्किंग पॉलिसी होगी उसमें इंटरनल मार्क का अहम योगदान होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के उप निदेशक ने गुरुवार को ही सभी शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजे हैं। उन पत्र में कहा गया है कि कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए बोर्ड की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। बोर्ड की ओर से इन स्टूडेंट का परिणाम तय किया जाना है और बोर्ड ने सभी स्कूल संचालकों को 10वीं बारहवीं के 21 जून तक स्टूडेंट के इंटरनल मार्क को तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। 21 जून से 28 जून के बीच सभी स्कूल इन स्टूडेंट के रोल नंबर के आगे वर्ष 2020-21 के सत्र की गतिविधियों के आधार पर इंटरनल मार्क्स देंगे। अगर कोई भी स्कूल इंटरनल मार्क नहीं भेजता है तो परिणाम की जिम्मेदारी उस स्कूल की होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने इंटरनल मार्क्स तो मांग लिए, लेकिन ये किस आधार पर देंगे इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं किया गया है। दरअसल आमतौर पर टेस्ट के आधार पर इंटरनल मार्क स्कूल से भेजे जाते थे, लेकिन इस बार कोई टेस्ट नहीं हुआ है। आमतौर पर स्कूल से स्टूडेंट को इंटरनल मार्क के तौर पर 100% अंक दिए जाते थे। हर विषय में 20 नंबर होते हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही स्कूल में बच्चों को खुले हाथ से नंबर दिए जाते हैं ताकि वह कमज़ोर स्टूडेंट पास हो सके। इंटरनल मार्क्स उस प्रोसेस का एक हिस्सा है, हो सकता है, जिसे सरकार ने अब तक सार्वजनिक नहीं किया। इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।